हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज़ है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट यूएस स्टॉक्स एसेंशियल्स फॉर इंडियंस, जो हमारे आईएनडी लर्न सीरीज़ का 7th कोर्स है। ये वीडियो इस 5-पार्ट कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस कोर्स के एंड तक आपको यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग की एसेंशियल डिटेल्स, यूएस स्टॉक मार्केट के बेसिक फैक्ट्स, डिफरेंट इंडाइसेस और टैक्सेशन के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स ऑफ यूएस स्टॉक्स। इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर ओन मनी। अब आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ऑलरेडी करते होंगे या करने का सोच रहे होंगे। तो अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, देन यू मस्ट लर्न अबाउट इट बिफोर यू कैन स्टार्ट एंड फॉर दैट यू कैन चेक आउट बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर कोर्स बेसिक्स ऑफ मनी फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू अदर कोर्सेज लाइक बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, जिनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इंडियन शेयर मार्केट के बारे में आप शायद बहुत सालों से सुनते आ रहे होंगे, पर क्या आपने कभी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का सोचा? वेल, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी सी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं। ऑल दोज कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, लाइक कोका कोला, एप्पल, मेटा, गूगल एक्सेट्रा, ऑल आर लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक मार्केट। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक्स नैसडैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE जैसे बड़े एक्सचेंजेस पर खरीदे और बेचे जाते हैं, बिल्कुल BSE और NSE की तरह। इन एक्सचेंजेस में आपके इंडाइसेस होते हैं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के 3 इम्पॉर्टेंट इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नैसडैक कॉम्पोजिट, जैसे कि इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं। डाउ जोन्स 30 लार्ज ब्लू चिप कंपनीज को ट्रैक करता है। S&P 500 में 500 लार्ज कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स से शामिल होती हैं और नैसडैक कॉम्पोजिट नैसडैक पे लिस्टेड स्टॉक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ना सिर्फ US में बल्कि पूरी दुनिया में। नैसडैक US का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और आप इंडिया से बैठे बैठे भी इन US कंपनीज का पार्ट बन सकते हैं। US स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्टिंग 2 वेज में होती है। नंबर 1, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि INDmoney मनी के थ्रू US स्टॉक्स और ETFs में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ US स्टॉक्स एक्सपेंसिव लगते हैं, तो फ्रैक्शनल ट्रेडिंग का फायदा लेकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं बस $1 से। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब है कि इन्वेस्टर्स एक सिंगल शेयर के हिस्से का हिस्सा या पोर्शन परचेज करते हैं, पूरा शेयर नहीं। इससे इन्वेस्टमेंट बजट फ्रेंडली हो जाती है और आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर्स पूरी शेयर्स की तरह वर्क करते हैं और आपको गेन्स और लॉसेस का सेम परसेंटेज मिलता है। इसके अलावा आप फ्रैक्शनल शेयर से डिविडेंड पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ये डिविडेंड अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट के प्रोपोर्शनल होता है।
फ्रैक्शनल शेयर से आप मांग यानी मेटा विच वॉज अर्लियर कॉल्ड फेसबुक एमेजॉन एप्पल नेटफ्लिक्स एंड गूगल स्टॉक्स के पोर्शंस खरीद के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नंबर टू, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप इंडिया से US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस को कवर करने वाले अलग अलग फंड्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे हाई एक्सपेंस रेशियोज और सेल्स चार्जेस, मैनेजमेंट अब्यूजेस, टैक्स इनएफिशिएंसी और पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन। सो नाउ वी नो दैट वी कैन इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स, बट आर देयर एनी लॉज बिहाइंड इट? वेल यस, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS शुरू किया था। LRS एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू रेजिडेंट्स इंडिया के बाहर पैसे भेज सकते हैं। ये स्कीम बिना किसी RBI के अप्रूवल के रेजिडेंट्स को एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक भेजना परमिट करती है, अगर ये ट्रांजैक्शन मना नहीं किया गया है और ये अमाउंट प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है। देयर इज अ लॉट मोर टू बी कवर्ड ऑन दिस टॉपिक जो हम इस कोर्स के आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। एंड दिस इज इट, हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर US स्टॉक्स एसेंशियल्स फॉर इंडियंस कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ LinkedIn पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। And you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and stay tuned for the next chapter, जहां हम US investing के fundamentals को discuss करेंगे. So, see you in the next one.